बैक टू माई न्यू ब्लॉग्स दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं माँ जानकी जन्म स्थल पुराना धाम। तो काफी टाइम बाद हम लोग बिहार अपने गांव आए हैं। हम लोगों ने सोचे इस बार भी माता जानकी जन्म स्थल देख लिया जाए। आज के वीडियो में आप लोगों को माँ जानकी जन्म स्थल भूमि और जानकी मंदिर घुमाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमने टेम्पो पकड़ लिए, इसके बाद चल दिए माँ जानकी जन्म स्थल पुराना धाम। यहाँ से जाने में हम लोग कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीतामढ़ी मेन मार्केट है। इससे कुछ टाइम पहले इतना खास नहीं दिखा करते थे, लेकिन आज के डेट में सीतामढ़ी मेन मार्केट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट भी काफ़ी लंबे हैं, जो कि दोपहर का टाइम है और इस टाइम में भी क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। तो फाइनली हमारा 1 घंटे हो चुके हैं, तो हम लगभग यहाँ पे पुनौरा धाम पहुँचने वाले हैं। तो आप कुछ दृश्य देख सकते हैं बाहर का, आप लोगों को कुछ इस तरह के देखने को मिल जाएंगे माँ जानकी जन्म स्थान पुराना धाम का। चलते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं और कुछ लोकेशन आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमने माँ जानकी जन्म स्थल पुनौरा धाम पहुंच गए हैं और बाहर का कुछ लोकेशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम मंदिर में एंट्री करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ टाइम वेट करते हैं। यहाँ पे हमें पता लगता है मंदिर का दरबार जो है बंद हो गया है और यहाँ पे हम लोगों को फिर से आधे से 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, तभी हम फिर से दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि टाइम हम लोग गलत टाइम पे पहुँचे थे। तो आप देख सकते हैं बाहर का कुछ दृश्य इस तरह के देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर के साइड में ही यदि प्रसाद आप लेना है तो यहाँ पे आपको दुकान भी देखने को मिल जाएंगे, आसपास में आपको होटल भी मिल जाएंगे यदि आप नाइट में रहना चाहते हैं तो। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग है, गाड़ी भी लगाने की अच्छी खासी सुविधा दिया गया है। तो फिर से हम चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें फिर से माता जानकी मंदिर भी जाना है और टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम है। आप यहां पे देख सकते हैं ये जो है आप सीता कुंड है, जो काफी लोग यहां पे स्नान करने आते रहते हैं। और इसके बाद साइड में भी कुछ इस तरह के दृश्य देखने को मिल जाएंगे। पुनौरा धाम में हनुमान जी का मंदिर भी बनाया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है देखने में लगता है। तो सबसे पहले हमने हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से निकलकर हमें जाना है माता जानकी मंदिर। और यहाँ से भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसके बाद, लेकिन वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है पुनौरा धाम से। तो फाइनली हमने पुनौरा धाम पूरी तरह से घूम लिए, इसके बाद हमें जाना है माता जानकी मंदिर, जो कि पुनौरा धाम से जानकी मंदिर समथिंग 10 मिनट का रास्ता है। तो हम चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुनौरा धाम से बाहर की तरफ जब निकलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के देखने को दृश्य मिलेंगे, जो कि पुनौरा धाम का मंदिर का गेट आपको सामने दिख रहा है। इसके बाद आसपास में आपको होटल भी मिल जाएंगे, यदि आप नाइट में रहना चाहते हैं तो रह भी सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाता है यहाँ पे। माता जानकी मंदिर के आसपास आ चुके हैं, तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे इस मंदिर में 2 रास्ता है अंदर जाने का। तो फर्स्ट अंदर का दृश्य कुछ इस तरह के देखने को मिल जाता है, जो इस टाइम अभी 2:30 बज रहा है
और क्राउड काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो ये जो टाइम है फिलहाल में, इस टाइम मंदिर का गेट जो होता है बंद होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत टाइम पे आ गए हैं। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, मंदिर का गेट बंद है तो, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं मंदिर का दरबार खोलने के लिए। हमारे पास अभी 2 घंटे हैं फिलहाल में, हम बाहर की तरफ निकलेंगे और घूमते हैं। अभी खाना पीना भी खाए हैं तो लोग खाना पीना भी खा लेते हैं। इसके बाद फिर से हमारा 4 बजे का टाइम है, तो 4 बजे में फिर से आएंगे। तो बाहर की तरफ कुछ दृश्य इस तरह के देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी घूम लिया जाए। काफ़ी सारे आपको शॉप देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको सामान लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे रेट पे मिल जाता है। तो फाइनली यहाँ पे 4 बज चुका है, खाना वाना खाकर हम रेडी हो चुके हैं, मंदिर का दरबार जो है खुल चुका है, चलते हैं दर्शन करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ से घर की ओर निकलेंगे। देख सकते हैं क्राउड इस समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। तो फाइनल हमने पुनौरा धाम और माता जानकी मंदिर में घूम चुके हैं। इसके बाद हम अपने घर की ओर निकल जाते हैं, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मॉर्निंग में हमने 10 बजे निकले थे और शाम के यहाँ पे 5 बज चुका है, यानी कि घर जाते जाते 7 से 8 बज जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ इस टाइम। तो चलते हैं अपने घर की ओर।